ये लेबनन सीरिया का बॉर्डर है और सामने इजराइल के टावर है। टावर पर छोटे रडार भी लगे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगे हैं और सर्विलांस कैमरे भी लगे हैं। तभी झाड़ियों में से निकलती है एक स्नाइपर की राइफल और फिर देखिए क्या होता है। पहले रडार पर गोली फायर होती है, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ा जाता है, फिर सर्विलांस कैमरे पर गोली पड़ती है। यह सब कुछ इजराइल लेबनन बॉर्डर पर हो रहा है। इजराइल डिफेंस का पूरा निगरानी स्ट्रक्चर हिजबुल्ला ने उखाड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो नेतन्याहू को डरा देगा। ये हनीता बॉर्डर पॉइंट है, यहां एक मिसाइल निकलती है और सीधे बॉर्डर पर खड़े इजराइल के मरकावा टैंक को फोड़ देती है। एक बार देखिए हमला कैसे होता है। धुआं छटता है तो इजराइल के बाकी टैंक भागने लगते हैं। दूसरा वीडियो दोहरा बॉर्डर पॉइंट से आया है, यहां भी इजराइल का मरकावा टैंक घूम रहा था और फिर होता है एक बड़ा हमला। हिजबुल्ला एंटी टैंक मिसाइल फायर करता है। मिसाइल टैंक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है और इजराइल के मरकावा में बहुत बड़ा धमाका होता है। लेबनन बॉर्डर पर इजराइल के टैंक पर हमलों का वीडियो बहुत डराने वाला है। इजरायली टैंक के ऐसे तबाह होने की तस्वीरें जब ईरान पहुंची तो वहां के विदेश मंत्री ने बहुत खतरनाक बयान दे दिया। हुसैन अमीर अब्दुल्ला हिया ने कहा कि अगले कुछ घंटों में इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। हिजबुल्ला की तरफ इशारा करते हुए ईरान ने कहा है कि अगर ईरान और लेबनन ने इजराइल को जवाब नहीं दिया तो इजराइल की सेना तेहरान और बेरूत पर कल हमला कर देगी। सूरत तदावुम जनायात जंगी रेजिम कुदकुश इसराइल अलैह साकिनान गैर निजामी गज़ा हर एहतमाली मुतसव्वर हस्त। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की फौज जिस तरह से गाजा को हजारों टन बम मारकर समतल कर रही है, इसने ईरान को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया का एक एक इंच नापकर इजराइल की ताकत का पूरा अंदाजा लगा लिया है। इजराइल और लेबनान बॉर्डर पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो युद्ध को गाजा बॉर्डर से निकालकर इजराइल और लेबनान के बॉर्डर तक ले जाए और हिजबुल्ला से एक नया फ्रंट खोल दे। गाजा में पहले से ही खूब बमबारी और गोलीबारी की जा रही है, लेकिन हिजबुल्ला के आने से एक नया फ्रंट खुल जाएगा और दो फ्रंटों पे इजराइल पूरी लड़ाई लड़ेगा। इजराइल पर हमले का खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका तक को चेतावनी जारी कर दी है। अली खामनेई ने कहा है कि अगर गाजा में इजराइल के जुल्म खत्म नहीं हुए तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को रोक नहीं पाएगी। हमास के हमले के बाद ईरान ने इस वक्त अपने मिलिशिया गुटों और मित्र देशों को एक्टिव कर दिया है। सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र से भी इजराइल को कड़वे शब्द ही मिले हैं। इस वक्त हिजबुल्ला भी एक्टिव है, इस वक्त सीरिया भी एक्टिव है, इस वक्त इराक में आईएसआईएस का खात्मा करने वाली फोर्स हश्द अल शाबी भी तैयार है, इस वक्त यमन भी एक्टिव है। सितंबर महीने में ही यमन ने अपनी मिलिट्री परेड निकाली थी और इस परेड में ऐसी ऐसी मिसाइल और ड्रोन दिखाए जो इस इलाके में अमेरिका और उसके दोस्तों को परेशान कर सकते हैं। यमन वो देश है जिसने पिछले 8 वर्षों तक सऊदी अरब और उसके 15 साथी देशों से युद्ध लड़ा, जिस युद्ध में उसके खिलाफ अमेरिका भी रहा, ब्रिटेन भी रहा और इजराइल ने भी यमन के खिलाफ मदद की। अब वही यमन अमेरिका और इजराइल दोनों को ललकार रहा है। الموت الخائعة تلحقون به أدب الله
युद्ध की ऐसी ललकार, ऐसा गुस्सा, आप इस इलाके को पश्चिम एशिया कहकर बुलाइए, इसे खाड़ी कहिए या फिर मिडिल ईस्ट, नाम कितने भी हों, लेकिन इस वक्त यूक्रेन के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका कोई है तो वो यही जमीन है। पिछले 4 दशकों से यह इलाका युद्ध देख रहा है। यमन के इस मिसाइल का नाम है तूफान, जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। इस मिसाइल से यमन ने सऊदी अरब को कई बार डराया है। इजराइल को भी लगता है कि यमन को ऐसे और हथियार मिल सकते हैं और फिर वो उसके लिए खतरा बन जाएंगे। ईरान भी यही डर फैलाना चाहता है। जाहिर है कि इजराइल के लिए ये एक नया फ्रंट साबित हो रहा है। अब गाजा के धमाकों ने हिजबुल्ला के साथ ईरान को युद्ध में कूदने के लिए तैयार कर दिया है, इसलिए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ उसका युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। آمریکایی ها همونطور که گفتم پیام هایی رو میدن، به ما هم پیام دادن، پیامشون به ایران شامل تأکید بر خویشتنداری و عدم گسترش جنگ بود. ما به آمریکایی ها پاسخ میدهیم که ما به دنبال گسترش جنگ نیستیم، اما خویشتنداری نمیتونه یک جانبه باشه. شما نمیتونید به حزب الله لبنان توصیه بکنید خویشتنداری بکنه، بعد به نتانیاهو بگوید دست شما رو باز میگذاریم هر جنایتی رو میخوای علیه غیر نظامیان انجام بدهید. اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ کے پاس قریب 1.5 لاکھ راکٹ ہیں جس کے ٹارگٹ پر اسرائیل ہے. 1.5 لاکھ راکٹ کیا کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے. 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر ایک ساتھ 5000 راکٹ داغے، جس کی وجہ سے اسرائیل کا آئرن ڈوم بھی پوری طرح سے ناکام ہو گیا. सवाल यह है कि अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है तो फिर क्या होगा? ऐसे हालात में अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि ईरान के आसपास अमेरिका के इतने मिलिट्री अड्डे हैं जहां से ईरान के खिलाफ हमले लॉन्च किए जा सकते हैं। इसलिए कोई शक नहीं कि गाजा में युद्ध के साथ साथ अब इसराइल से पहले उसने अमेरिका के फौजी अड्डों को अपने टारगेट पर ले लिया है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहां अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहां उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन ये अड्डे भी ईरान की जद में हैं और इस वक्त इसराइल तक उसके मिसाइलों की रेंज में आ चुका है। ईरान के ड्रोन की रेंज भी बढ़ती जा रही है। अब पश्चिम एशिया के वो इलाके भी उसकी पहुंच में हैं जहां अमेरिका के अड्डे हैं और इस वक्त नेतन्याहू और बाइडन दोनों ईरान की बढ़ती ड्रोन पावर को लेकर काफी बौखलाए हुए हैं। अगर इसराइल और लेबनन बॉर्डर पर युद्ध होता है और इसमें ईरान भी शामिल हो जाता है तो समझ लीजिए इन सभी अड्डों से ईरान पर हमले लॉन्च किए जाएंगे या फिर ईरान इनको अपने मिसाइल अटैक से मिट्टी में मिला देगा। ईरान पहले ही अमेरिका को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और अब गाजा इसराइल के बीच युद्ध ने युद्ध का एक नया बहाना दे दिया है।